देश के कई राज्यों में जहां मिड डे मील के नाम पर अक्सर शिकायतें सामने आती रहती हैं, ऐसे में जालौन का एक विद्यालय अपनी अलग पहचान बनाए हुए है, जहां पर बच्चों को मिड डे मील में खाने के लिए पनीर, पूड़ी और रसगुल्ले से लेकर मिठाई, फल और आइसक्रीम तक दी जाती है। ये सब यहाँ के प्रधान और शिक्षक के प्रयास से संभव हो पा रहा है। दरअसल जालौन के मलकपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील मेन्यू के अलावा छात्रों को पनीर, पूड़ी, सब्जी, छोले, रसगुल्ले, मिठाई, खीर, आइसक्रीम और फल जैसी तमाम सारी चीजें थाली में परोसी जाती हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्यामा देवी ने बताया कि स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। थाली का ये भोजन पौष्टिक तो होता ही है, इसके अलावा कैलोरी से भरपूर होता है। बच्चों की थाली में नमक रोटी नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भोजन परोसा जाता है। कभी कभी तो यहाँ बच्चों की डिमांड पर भी खाना खिलाया जाता है। मलकपुरा उच्च और गुलाबपुरा में पढ़ने वाले 90 छात्रों की थाली में हाई कैलोरी के साथ मनपसंद भोजन मिलता है। 97 बच्चे हैं, 97 बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं। आज हमारे यहाँ 48 बच्चे प्राइमरी में आए हैं और 25 बच्चे जूनियर में प्रेजेंट हैं। अच्छा, कई दिनों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि बच्चों को मिड डे मील में जो है कभी कभी पनीर मिल जाता है, छोले भी मिल जाते हैं, ये सब कैसे हो पाता है, कौन इसमें सहयोग करता है? इसमें हमारे प्रधान जी सहयोग करते हैं, और जैसे किसी का जन्मदिन वगैरह होता है वे लोग कर देते कि हमारी तरफ से बच्चों के लिए है, महीने में एक या दो बार यह व्यवस्था हो जाती है। प्रधान जी का सहयोग है? प्रधान जी का। हाँ, क्या नाम है प्रधान जी का? अमित तिवारी। वहीं जब इस बारे में स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी होने के साथ साथ मील भी काफी अच्छी मिलती है। विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई भी कराई जाती है और इम्तिहान भी लिए जाते हैं। यहाँ पे गुरुजी हैं, कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। मिड डे मील को लेके काफी चर्चा है, मिड डे मील जो है अच्छा भोजन मिलता है, पौष्टिक भोजन मिलता है, तो मिड डे मील में क्या क्या खाने को मिलता है इसके साथ? सब्जी में तो पनीर, मटर और पूरी, सलाद, एप्पल और कभी कभी तो लस्सी भी मिल पाते है। कब मिलता है ये, कितनी बार मिलता है महीने में? महीने में 3-4 बार मिलता है। तो क्या लगता है खाना खाके मजा आता है? हाँ अच्छा लगता है खाना। कैसा लगता है पढ़ने में, मजा आता है? हाँ। तो खाने में क्या है, खाना कैसा मिलता है यहाँ? सही मिलता है। मजा आता है खाने में? हाँ। कुछ स्पेशल खाना भी मिलता है कभी कभी, क्या क्या मिलता है उस खाने में? आइसक्रीम और मतलब पनीर की सब्जी बनती, पूरी, सलाद सलाद, ये सब चीज मिलती है, रसगुल्ला रसगुल्ला सब। कितने बार मिलता है? महीने में 1-2 बार मिलता है। वो खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, टेस्टी। वहीं जब इस बारे में गांव के प्रधान अमित से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि स्कूल में मिड डे मील विधिवत तरीके से संचालित किया जा रहा है, लेकिन गुजरात के मॉडल को अपनाते हुए हमने स्कूल में तिथि मॉडल को लागू कर मिल में एड ऑन का ऑप्शन जोड़ दिया है। इस ऑप्शन की मदद से बच्चों को तरह तरह के भोजन खाने को मिलते हैं। बच्चों के तकनीकी शिक्षा को लेकर कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से लेकर स्पोर्ट्स के मैदान में भी तैयार किया जा रहा है, ताकि यहां पढ़ने वाले नौनिहालों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। मेरा नाम अमित है और मैं उत्तर प्रदेश में जनपद जालौन में ग्राम पंचायत मलकपुरा से ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पर थाली जो है, यहाँ की थाली की काफी चर्चा हो रही है, तो कैसे इस चीज की शुरुआत की और कैसे ये प्रेरणा? देखिए, 14 फरवरी 2022 से हमने जो शासन का निर्धारित मेन्यू है उसमें कुछ चीजें जोड़ी और एक एड ऑन मिड डे मील का कॉन्सेप्ट दिया। उसमें हम करते क्या है कि जो निर्धारित मेन्यू है उसी में चीजों को हम जोड़ देते हैं, जैसे मिठाई में रसगुल्ला है, लड्डू जोड़ दिया, सब्जी में मटर पनीर कर दिया, सलाद कर दिया, फल में सेव कर दिया, दूध की मात्रा, दूध को अलग अलग तरीकों से दिया। इससे होता है क्या, बच्चों में एक आकर्षण होता है। तो ये व्यवस्था 14 फरवरी से चल रही है। इसके बाद हमने इस व्यवस्था को और बेहतर बनाया और नए सत्र से, यानी 1 जुलाई 2022 से गुजरात सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लागू किया था तिथि भोजन का, तो हमने उस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ लागू कर दिया। ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रिसिएटेड है और अन्य राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। इस व्यवस्था में होता क्या है तिथि भोजन में, कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी खुशी के अवसर पर अपनी खुशियां बच्चों के साथ बांटती है और बच्चों को स्पेशल भोजन कराती है, और ये महीने में कम से कम 2 दिन होता है या अधिक से अधिक 4 दिन होता है। तो देखा आपने किस तरह से गांव के प्रधान और स्कूल प्रशासन साथ में कैसे बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। वही लोग स्कूल प्रबंधन के साथ साथ ग्राम प्रधान की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए स्कूल के सराहनीय काम की खूब तारीफ की है। वहीं कई लोगों का कहना है कि जालौन के कई विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। ऐसे में ये तस्वीर सच में तारीफ के काबिल है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए जालौन से संवाददाता मयंक राजपूत की रिपोर्ट। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।